सो फ्रेंड्स, नहा भी गया, नाश्ता भी हो गया और थोड़ा कंप्यूटर पे कुछ काम था वो भी हो गया। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिन से देख रहा था इन बनियानों में मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा इस बार कुछ सस्ती सी वाइट कलर की बनियान पहनी जाए। तो अभी मैं दो बनियान लेकर के आया अपने लिए, एक ये वाली और एक इस तरीके से जो बाजू वाली होती है। तो बहुत टाइम हो गया था इस तरीके की बनियान नहीं पहनती, हमेशा ये महंगी महंगी बनियानें पहनता था। तो सर्दियों में तो चल जाता है लेकिन गर्मी में बड़ा गर्म होती है, अनकंफर्ट सा महसूस होने लगता है, इसलिए मैंने कहा इस बार चेंज कर लेता। बच्चा बिल्कुल रेडी है हमारा, जींस भी पहन ली, शर्ट भी पहन ली और लेकिन थोड़ा सा नाराज है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोअर पहनता था तो लोअर की से हैबिट हो गई। अब ये कह रहा है जीन्स मुझे टाइट लग रही है, कभी कहता भारी लग रही है। अरे मम्मी से नाराज हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तेरे को पता नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों अब आदत ही लोअर की पड़ गई है। उतार दो इसके कपड़े। हाँ, श्रेयस भी रेडी, सिद्धांत भी रेडी, पूजा भी रेडी और पीछे पापा भी रेडी। पापा जो है ताला लगा रहे हैं। ये शर्ट है, मैंने वाइट शर्ट पहनी है और पापा ने जो येलो शर्ट पहनी है, हम दोनों का लगभग सेम ही साइज आ जाता है, ऐसे पहन लेते हैं। और इसको हमने जीन्स पहनाई थी तो जीन्स उतार दी। प्लास्टिक मांजा यूज नहीं करना चाहिए बेटा, बहुत खतरनाक होता है। गर्मी है लेकिन जाना है और जाना बहुत जरूरी है। तो लिया ही लिया मैंने, अच्छा होगा, बादाम भी होगा। अरे हम लोग तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं यहाँ पे। श्रेयस ने तब तक डिमांड कर दी मुझे रसगुल्ला खाना है और इसने डिमांड कर दी कि मुझे लस्सी पीनी है। ले तो ली लेकिन पी नहीं रहा था। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दरअसल मैं बताना भूल गया कि मैं और पूजा, हम जो फैमिली के लोग आए हैं, हम लोग जा रहे हैं मेरी साली है उसके घर, उसके घर में जहाँ उसकी शादी हो रही है। तो शादी से पहले जैसे बुलाते हैं मिलने के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ। ये कोशिश करिए हंसने की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे डांटा था क्योंकि इसने यहाँ अग्रवाल की शॉप पर ला के खड़ा कर दिया, तो भाई बच्चे तो जिद करेंगे ही। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चे बीमार ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम उन्हें बाहर का खिलाते हैं। बोलो। मैंने नहीं खड़ा किया, मैंने तो छाव में खड़ा किया। छाव में खड़ा, वो भी दुकान के अंदर लाके, तो बच्चे आते ही कह लगे पापा कुल्लड़ वाली लस्सी पीनी है, ये पीनी है, वो खाना है, रसगुल्ला खाना है। तो अब मजबूरी है, फैल जाएंगे ये तो। उन लोगों को आने में टाइम लग रहा था जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक तो अग्रवाल में खड़े नहीं रह सकते। फिर हम यहाँ हरिराम पे आ गए, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी मैंने यहाँ। फिर मेरे पास आके बैठ के गए पापा, आप मेरे को भी बैठा लो साथ में। पापा को कितना ज़्यादा पसीना आ गया था, इसलिए मैं यहाँ ले आया। मैंने कहा पापा यहाँ बैठो बेटा, लेकिन कुछ लेना नहीं है, सिर्फ मैंने इसके लिए फ्राइड राइस मंगवाया है। वहाँ जाके भी हमने खाना ही है और यहाँ पर फिर खास ऑर्डर किया नहीं है, बस इसको तसल्ली मिल जाए इसलिए एक ऑर्डर कर दिया फ्राइड राइस। फ्रेंच फ्राइज नहीं, सिर्फ फ्राइड राइस। श्रेयस के नाना नानी आ गए, प्रणाम। सो फ्रेंड्स, नेहा यहाँ पे आ गई थी और उसके बाद नेहा के साथ हमने अपने सिद्धांत को और दो बच्चों को औरों को उसके साथ छोड़ दिया ताकि वो अपने घर ले जाए और उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। तो हम लोग यहाँ से निकल गए नेहा के ससुराल और वहाँ जाकर के भी मैंने ब्लॉग बनाया था, बस कुछ निजी कारण हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मैं नहीं शो ऑफ करना चाहता और ना मैं कर सकता, तो इसलिए मैंने आगे का ब्लॉग नहीं बनाया, बना करके भी मैंने नहीं डाला। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ बैठ गए, अब ये यहाँ पे खाएंगे, मज़े लेंगे और हम निकल चुके हैं नेहा के ससुराल। तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ आगे, इसी तरीके से वीडियो में बने रहें। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं एक्सरसाइज करूँ और बिना एक्सरसाइज के ही आज नहा गया हूँ और ब्रश कर लिया। थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी जिसकी वजह से मैंने नहाया और ब्रश किया, एक्सरसाइज नहीं करी। फिलहाल अभी बनाना शेक बनाया है,
ये बनाना शेक पी रहा हूँ। हाँ पानी जरूर पिया मैंने, गर्म पानी। मुझे खर्चा बना दिए, देखो मम्मी ने, मैं बोल रहा था गुलाब बना दो। तो कोई बात नहीं, आज कच्चे में चल लो, ठीक है? क्या फटाफट भागो भागो भागो, लड़का काम करने लग गया है हमारा। और आप भी काम करो, सारी सफाई करो, यहाँ पे जितने भी गंदगी पड़ी है सब साफ करो। बाहर जा रहे हैं, घर पे उन पटांग काम नहीं होने चाहिए, ये तो आगे धोऊंगा, ध्यान रखियो, ठीक है ना? शांति से अपनी कॉपी किताब निकाल ले, जो काम मिला हुआ वो कर ले। ले आया पर्स, कहाँ मिला? फ्रिज के ऊपर था। ठीक है चल। क्या आज पापा मेरी छुट्टी नहीं थी, मतलब कैसे छुट्टी है तेरी? कल भी छुट्टी है, मैसेज आया हुआ है, तेरे को पता नहीं है? दवाई हमने ले ली है और अभी रास्ते में मैं इसे नारियल पानी और पिलाऊंगा। डॉक्टर ने दो दिन दवाई लेने के लिए और कहा, यानी जो आज जो दवाई दिया वही दो दिन चलेगी, कहा उसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा है, इसका मतलब हमारा बेबी पूरे तरीके से ठीक हो गया। ले लूँ? तो परमिशन मिल गई, नहीं तो परमिशन नहीं मिलती खाने की। मैं आ गया खाए हम। दोनों चाहिए तुमको? पानी पानी वाला तो अच्छा होता है। हाँ फ्रूटी से अच्छा होता है ये, बहुत मुश्किल से पिलाना पड़ता है इसको। ये घर ले जाके भी खा सकती थी, यहीं बैठ के खाने लग गई। आप ही ने बोला खा ले। मैंने बोला खा ले खा ले, हाथ भी गंदे हो रहे होंगे, धूल लग रही होगी सब। ब्रेकफास्ट तो मैं करके गया नहीं था और ऐसे ही चला गया था बिना ब्रेकफास्ट के, बस जूस पिया था और निकल गया था। पूजा ऊपर नाश्ते की तैयारी कर रही है फिलहाल, ये दोनों आकर के फिर से यहाँ पे बैठ गए हैं। सिद्धांत बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, बताओ क्या करूँ? कमेंट कर देना, जो तुम कहोगे वही करूँगा मैं। तो ये ऐसे ही मानेगा, जब दुनिया बोलेगी ना कि भाई ये करो, इसको बैट से धो या डंडे से धो या बेल्ट से धो, तो वही करूँगा मैं। बस आप कमेंट लिख देना कि इससे मारो, उसी से मारूंगा। चलो भैया मत लियो, मेरा खुद कितना सारा भर रखा है। अब मत लियो सिद्धांत, अब मत लियो, ये भी खा लूं सारा। दे 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 दे, बस ऐसे ही दे दे उसे, दे दे, अब मत खाइयो। हाँ मारूंगा नहीं तो। आराम से डरा दिया तूने मेरे को। इसका एडाप्टर खराब है पूजा भाई, हर जगह खर्चा ही खर्चा बढ़ता जा रहा है, कभी फोन खराब, कभी इंसान खराब। अब ये मेरे को डराना चाहता है, बताओ, ये भी कम नहीं है, उसने तो डराया, ये भी डराना। चल ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम को डराएगी, डराना मत कोई। बहुत डर लग गया मेरे को भाई, बच्चे हैं भाई, उल्टी हरकतें करेंगे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। अडेप्टर खराब है इसको, ये है दूसरा, पापा के लगा के दे और है ना चार्ज। बस खर्चा करने की बात करती रहेगी हर वक्त, अरे नया ले आओ। मैंने पूछा, मैंने बोला कि अगर काम करेगा उसकी तार तो ठीक है, नहीं तो फिर नया लिया ना। पापा का फोन तो हो ही रहा था चार्ज, पापा का फोन तो हो रहा है, लेकिन उससे चेक, अरे ये कुछ बिजली के बारे में बता रहा था, पहले इसे भी देखना था। नहीं अभी नहीं चेक करना, इसका चार्ज बंद। आज जो है खाना बनानी है, तो ये ढाई रोटी मिली है मेरे को और मैं यही खाऊंगा। पूजा मेरे से कह रही थी कम से कम ये तो मत दिखाओ, तो भाई क्या हो गया, रोटी तो रोटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और उसमें भी ये भाई साहब आ गए हैं, मैं भी खाऊंगा। आज जो है मम्मी का फास्ट है, तो जिसकी वजह से हम भी बाहर थे, अब क्या बनानी। मैंने कहा तू एक काम कर, जो रोटी है उतनी दे दे। अभी अभी मुझे नींद आ गई थी और काफ़ी देर तक मैं सोया रहा, 3:30 बज चुके हैं और 3:30 बजने के बाद
मुझे याद आया कि मैंने तो खाना खाया ही नहीं, तभी मेरे लिए पूजा खाना लेकर के आई है, बैठी है पूजा। मेरा मेरा खाना धन्यवाद कि मेरे लिए खाना ले आई है। 350 ऊपर हो गए ये। बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लो तो थक जाते हो और थकने के बाद आपको नींद आ जाती है, तो ऐसे ही हुआ। आज सुबह भी गया, फिर उसके बाद वापसी आया, और फिर कल भी थका हुआ था, तो आज ही से नींद आई। क्या हुआ? 2 अगस्त तक छुट्टी। तो यही बोल रही थी मम्मी भी, यकीन नहीं हो रहा था ना तेरे को 2 अगस्त तक। हाँ सिद्धांत के लिए तो एक गुड न्यूज है कि उसके 2 अगस्त तक छुट्टी है, ये हमने इसे बताया नहीं था, और ये सुबह तैयार भी हो गया था। अब दोस्त से पूछ के आया कि छुट्टी आज थी कि नहीं, तो उसने बोला छुट्टी तो 2 अगस्त तक है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि अब 2 अगस्त तक हमें घर में परेशान करेगा, और हमें तो करेगा करेगा, साथ में श्रेष्ठ को बहुत परेशान करता है।